भिंड में केंद्रीय मंत्री सिंधिया की सभा में हंगामा। बीमार बालिका के इलाज की मांग करने पहुंचे समाजसेवी धक्का मुक्की कर पोस्टर छीने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भिंड में मंगलवार की शाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आभार सभा में कुछ मिनटों के लिए हंगामा खड़ा हो गया, जहां शहर के कुछ युवा समाजसेवी एक बीमार बालिका के इलाज की मांग को लेकर पहुंचे थे। वे हाथों में तख्ती लिए हुए थे और सभा के दौरान इलाज कराए जाने की मांग को लेकर खड़े हो गए। इन समाजसेवियों को देख मंच पर बैठे एक नेताजी को ठीक नहीं लगा। उन्होंने समाजसेवियों को हटाने का इशारा किया। इस पर बीजेपी समर्थक आ गए और उन्होंने समाजसेवियों से धक्का मुक्की कर दी और पोस्टर व तख्तियां छीन कर भगा दिया। दरअसल मामला यह है कि भिंड की बीटीआई रोड पर रहने वाली 14 वर्षीय बालिका रुचि भदौरिया पिछले 1.5 साल से किडनी की बीमारी से पीड़ित है। ये बालिका की किडनी बदलवाए जाने की मांग को लेकर करीब 2 महीने से शहर के समाजसेवी अभियान चला रहे हैं। बालिका के समुचित उपचार समेत किडनी डोनेटर की तलाश में जुटे हैं। समाजसेवियों ने मंगलवार को शाम को केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात करने की योजना बनाई। पहले ये सभी भारौली रोड पर टेंट लगाकर बैठे। यहाँ उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से बीमारी से पीड़ित बालिका की मुलाकात सिंधिया से करवाना चाही, परंतु इनके टेंट के पास केंद्रीय मंत्री सिंधिया की कार रुकी और आवेदन लेकर आगे बढ़ गई। इसके बाद समाजसेवी युवा हाथों में तख्तियां लेकर सभा स्थल खंडार रोड पर पहुंचे। वे कार्यक्रम के बीच खड़े हो गए। कार्यक्रम के दौरान रुचि भदौरिया का इलाज कराए जाने की मांग करने लगे। तभी मंच पर बैठे नेतागण चौंक गए। इसी समय एक नेताजी ने अपने कार्यकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए समाजसेवियों को शांत करने को कहा। तभी भाजपाइयों ने इन समाजसेवियों की तख्तियां व पोस्टर छीन लिए और मौके पर ही तोड़ दिए। इसके बाद धक्का मुक्की करते हुए कार्यक्रम स्थल से भगाया। आरोप यह भी है कि भाजपाइयों ने समाजसेवियों से हाथापाई भी की। समाजसेवी शुभम पचौरी का कहना है कि मैं बीमार बालिका रुचि भदौरिया के इलाज की मांग करने के लिए कुछ साथियों के साथ गया था। हम सभी के हाथों में पोस्टर थे। यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने धक्का मुक्की कर हाथापाई की। इस दौरान बीमार बालिका रुचि के साथ भी अभद्रता की गई। वहीं 14 वर्षीय बीमार बालिका रुचि भदौरिया का आरोप है कि मैं अपने पापा के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मिलने गई थी। हमारे साथ लोग थे। मैं ई रिक्शा में बैठी थी। मेरा ई रिक्शा कार्यक्रम स्थल से दूर खड़ा था, परंतु वहाँ लोगों ने गंदा व्यवहार किया। मुझे वहाँ से भगाया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।